प्यारे का फंचोर खेला, जिस तुम मरघट में ले जाएगा ये कलयुग वहां का भी ठेकेदार बन गया। आओ जैसे तुम जलाद लेके आएगा, मुर्दा जलाने के लिए आएगा। रे मरे हुए पे मारेंगे तुमको चूतिया, महाराजा कलजू करते हैं। हे माता कमला, जब मैया सुना दे गई कमला गई सती के समाप्त करके जाएंगे। तो सजन सहनी 21 रुपया से कदर करते हैं। हे मां दुर्गा, हे जग जननी, हे माता कलिका, सिर में सबाई देना सजन भाई को या।
ये आगे बड़े भैया गौरी शंकर सहनी जी, जो कि ये आवाज आप तक खुंजक रहा है, उनके द्वारा ये आवाज आ रही है। ये 51 रुपया से कदर करते हैं इस जलाद के रोल पे। बाबा सुनो बजरंगी यहाँ, गौरी जो भैया शमशान घाट से मुर्दा वापस में भेज दिया तो मेरा नाम कलयुग नहीं। आओ मैं हेलो हाँ, एक दिन बालक भयो गोतमा, एक दिन भयो सयाना जी, एक दिन भयो सयाना
इनाम के दरबार चुके हैं श्रीमान सुरिंदर सहनी, सुंदर सहनी हमारे रुदल और फूला का रोल देखते हुए और इंदल का रोल देखते हुए विपत्त देखते हुए इस रणमंच पे 50 रुपये का पुरस्कार है। यानी भैया जी को पूरी पार्टी को तरफ से 10 उंगली जोड़ करके नमस्कार करते हैं। हे दोस्तों, मैं तो अभी आफत में पड़ा हूँ, मैं रोज नहीं कह सकता हूँ। यह रंगमंच से 209 जोड़कर मैं प्रणाम करता हूँ। हेलो, और देखिए हमारे श्रीमान कृष्ण जी के मम्मी, मेरा भी मम्मी, पूरे पार्टी को, कलाकार को मम्मी, उनके तरफ से 11 रुपया का पुरस्कार है। पूरे पार्टी को तरफ से इस मम्मी जी को 10 उंगली जोड़ करके नमस्कार करते हैं। प्यारे, ना जाने ये धुआं मेरी शमशान घाट में ये मुर्दा लाया तो लाया कौन, लेकिन मुर्दा तो लेके आया, लेकिन इस जलाल से अब तक पूछा नहीं। जब तक इस जलाल से पूछेगा नहीं तो मुर्दा ना जलेगा। इस सजाएगा मुर्दा समशान घाट, रे बिना जो वो डर के मुर्दा लाया समशान घाट में, रे किसके वो डर से लाश लाया समशान घाट में। खबर न हुआ रे चला तक को यार, रे बिना पूछे आया मुर्दा समशान घाट, आज को ऐसे सरकार है, रेल ठेकेदारी, बैंक ठेकेदारी, बिजली ठेकेदारी, तो ये समशान घाट भी ठेकेदारी। तो इसी शमशान घाट को राजा मैं, शमशान घाट के राजा। बात क्या है? बात यह है, इस शमशान घाट का हम लोग गरीब घर के हैं और ये शमशान घाट है, मेरे घर का लहास हो चुका है, तो हम लोग इस लहास को ये शमशान घाट में चीता लगाएंगे। अच्छा, तुम्हारे घर के किसी को मरगट हो गया तो तुम शमशान घाट में आए हो, सही बात, लेकिन यहाँ का कर्ज तुझे मालूम नहीं। क्या 551 का इसको कर्ज है, जब वो पहले पूरा करेगा तब तो इस शमशान घाट तक मुर्दा भी रखो, तो मरे हुए मुर्दा को वापस लेके चले जाओ, नहीं तो ये जलाद टंगी पकड़ के लाश को। शमशान घाट के राजा, आप भी जरा कान करके, कान खोल करके सुनेंगे, ये शमशान घाट ये सरकारी अवरेज है, मोदी सरकार का ये शमशान घाट का अवरेज है। शिवा, कोई भी राही बटोही गरीब दुखिया इस शमशान घाट में जला सकते हैं। न जाने बेखुक आजकल के तुमने अखबार नहीं पढ़ते हो, मैं पहले बोल दिया, बिजली ठिका, रेलवे ठिका, सारे बैंक ठिका, तो ये शमशान घाट पे ठिका लगे हैं। देखिए, यहाँ जो भी लाश जलेगा
बिना इजाजत से मेरे यज्ञ सुलास जलाएगा। रोक क्या है? आप ये तो हमको हम लोग को ये पता नहीं है ये शमशान घाट का ठीका लग चुका है, लेकिन एक समय था जो मोदी सरकार शमशान घाट गरीबों को लील फ्री था। कोई गरीब नहीं है रे इस दुनिया में, कोई गरीब नहीं। अगर लाश तुझे जलाना है तो 551 टका को कर्ज चुकाना है, नहीं तो वापस ले जाओ या मुर्दा के राजनिया। रे मारा हम मिटा देंगे ये सब समा, नेताजी 50 रुपए का पुरस्कार है। एक बड़े भैया जी शमशान घाट में चीता चलाने के चक्कर में 11 रुपए का पुरस्कार है। भैया लोग आप कहना क्या चाहते हैं? भैया मैं अपनी बेटा को लाश लेकर आई हूँ शमशान घाट में संस्कार करने के लिए, आप संस्कार करने दीजिए। नहीं कभी नहीं, अगर संस्कार करने चाहती हो तो 551 टका का कर्ज चुकाने पड़ेगा। मैं 551 रुपया कहाँ से लाऊंगी बाबू? मैं कहाँ से 551 रुपया लाऊंगी? जब नहीं है 551 टका शमशान घाट का शमशान घाट की राजा मेरी अवस्था देखो, मैं बुढ़ियातन में हूँ। एक मेरी पत्नी मेरी उंगली पकड़कर इस जंगल में फल फूल चुनकर खिलाता है, गांव घर से भिक्षा मांगकर मुझे प्राण की रक्षा करती है। इसी बीच में ब्रह्मा जी न जाने मुझे कितने दुख दिया है। मेरे पुत्र मर गया, मेरे पुत्र का सांप दर्शन कर लिया। हे शमशान घाट की राजा बोलेंगे, अब हर जगह कर कफन कर पैसा लेते हैं, लेकिन मेरे जैसे गरीबों का माफ कर दो ना। यहाँ कोई माफ नहीं होगा क्योंकि ये ठीका लग चुका है, मैंने उसको भुगतना भुगता हूँ। अगर तुझे लाश जलाना हो तो 551 टका को कर्ज भरने पड़ेगा, नहीं तो तुझे इस शमशान घाट से तुझे मुर्दा का वापस। हे शमशान घाट की राजा सुनिए, और हमारे मेला कमिटी का भोगी सहनी होंगे, हमारे सुरेंद्र आनी की नेताजी होंगे, क्योंकि शमशान घाट का चीता लगेगा, उनको कर्ज चुकाना है। तो आप लोग पूरे कमलाबारी का जो भी समाज है एक कर्ज आप लोग जरा हेल्प कीजिएगा।